आईआर की पब्लिसिटी हो रही है ना। काफ़ी मुश्किल था इसमें, बहुत सारी चीज़ें थी, चाहे वो वेट से लेके हो, चाहे वो डांसिंग से लेके हो, चाहे वो एक्टिंग से लेके हो, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, गणेश मास्टर से सीखा और मनोज शर्मा जो डायरेक्टर है, लाइक प्रोड्यूसर्स जो हमारे हैं जितेश चंद्राकर जी और कमल किशोर मिश्रा एंड वसीम कुरैशी जी, तो ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए और काफ़ी मैं तैयार हुआ हूँ इस फिल्म के लिए। अभी लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, बट मैं दुआ करता हूँ कि लोग बहुत प्यार दें मुझे ही नहीं, इस फिल्म को भी, क्योंकि ये बहुत प्यार से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है। एक्टिंग करियर को लेके तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है और बातचीत है अभी, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा तो सबके सामने वो भी चीज़ आ जाएगी। और रही बात फिल्म के लिए, एक्टिंग को लेके, डेब्यू को लेके, तो मेरे लिए तो बहुत चुनौती भरा ये सीन था क्योंकि मैं एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर था बॉस्को सीजर सर के साथ और मैं काफ़ी साल से मैं कर रहा था, लेकिन दिल में एक सपना था जो बचपन से लेके चला आया कि एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना है। तो इस फिल्म से मुझे स्टार्ट मिल गया और इससे बड़ी खुशी मेरे और मेरे परिवार के लिए कभी नहीं होगी और मेरे फैमिली के लिए। और क्या प्लानिंग है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं करने जी? एक प्रोजेक्ट मैंने ख़त्म कर चुका हूँ मैं और उसकी भी रिलीज डेट आ जाएगी बहुत जल्दी और मैं बताऊँगा। और वो फिल्म का नाम है रॉकेट गैंग, तो अभी रिलीज़ डेट आया नहीं है बट जल्दी जल्दी आएगा तो मैं सबको बताऊंगा कि भाई स्टार्ट तो कर लिया है अभी और आगे, बस ज़िंदगी में सबके ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में। और आज मेरी मम्मी भी आई है और बहुत खुश हूँ मैं कि उनका सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच। लीड एक्टर नहीं, मैं कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर, एक पिताजी का रोल है, फादर रोल है, फादर सन की स्टोरी है। और बेसिकली ये फिल्म हमारे हिंदुस्तान कल्चर को कैसे हम लोग प्रेजेंट करें डांस के थ्रू, क्योंकि मैं डांसर हूँ, तो बस यही। और बाकी तो राजेश बताएंगे ज़्यादा करके। नहीं मतलब सर हैं हमारे यहाँ, एक कहा जाता है शिव को नटराज कहा जाता है, नटराज मतलब डांस, तो हमारे हिंदुस्तान में जो क्लासिकल डांस है वो हमारा बहुत, उसकी रूट बहुत बहुत गहरी है, तो आज भी क्लासिकल डांस बिरजू महाराज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनकी वजह से ज़िंदा है और आगे भी 100 सालों तक ज़िंदा रहेगा। फिल्म की कहानी यही है कि हमारे देश का, हमारी मिट्टी का जो डांस है, हमारी मिट्टी का जो संगीत है, हमारी मिट्टी का जो कल्चर है, हम उसको ना भूलें, बाहर के कल्चर को हम वेलकम करें, ठीक है बाहर का कल्चर बुरा नहीं है, उसको हम वेलकम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के कल्चर को हम हावी होने दें और अपना कल्चर भूल जाए। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म। गणेश जी के बारे में मैं कहूँगा, श्री गणेश जो है हमारे हर काम का, श्री गणेश जो है मास्टर गणेश जी के नाम पर होता है, और मास्टर गणेश जी इसमें, इस फिल्म में जैसे कि उन्होंने कहा कि पिता भी है और पुत्र, एक जैसे राजेश जी ने कहा हिंदुस्तान की कहानी है, वेस्टर्न वर्सेस इंडियन, दोनों कितना, दोनों के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान की कला हमारी, हिंदुस्तान की कला हमारी और कला, हिंदुस्तान का कल्चर हमारा, हमारा कल्चर हमारा, हमारा मास्टर जी का डांस। बेसिकली इस फिल्म के थ्रू छोटे छोटे मैसेजेस हम देना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि जो बाहर का कल्चर के इंडियन वेस्टर्न डांस के फॉर्म है पूरे नहीं, पूरा नहीं, वो अच्छे है, वेलकम करो उसको, लेकिन वो जब भी घमंड से बात करेंगे ना तो हम हिंदुस्तानी कला ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, गर्व करेंगे, प्राउड करेंगे तो हम गर्व करेंगे। And they also believe, Western countries, they also believe they, our Indian classical dance is the best dance. Yes, yes. They also believe that. Thank you. All the best. मनोज जी जानना चाहूँगा कि कल बहुत बड़ा दिन आपके लिए, काफ़ी अच्छा प्रमोशन हुआ फिल्म का और निसंदेह कामयाब होगी है फिल्म, कैसा लगा गणेश जी को डायरेक्ट करके इस फिल्म में? बहुत अच्छा लगा, गणेश जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और इंडस्ट्री के तो लेजेंड कोरियोग्राफर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और फिल्म के सेट पर हमेशा एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन पूरी यूनिट ने महसूस किया, और मजा डांसिंग फिल्म गणेश मास्टर जी साथ में एज एन एक्टर भी, तो वो डबल डोज था मेरे लिए खुशी का, तो मैंने उसको एंजॉय किया। कितना जरूरी है आप जो बनाते हैं हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में बनाते हैं एक संदेश के साथ, कितना ज़रूरी है हल्की फुल्की कॉमेडी बनाना, क्योंकि आज के दौर में काफ़ी सोच लोगों को, क्या कहना चाहिए?
देखिए, दो घंटे का एंटरटेनमेंट हम लोग 300-400 रुपए की टिकट परचेज करके थिएटर में जाएंगे, तो हम वो फिल्म बनाएं जो जो भी आदमी सोच कर आया वो भूल जाए। तो वैसी फिल्म मैं बनाता हूँ, वैसी बनाती रहूँगा। और देहाती जिसको भी एक कड़ी उसी चीज़ की है, हंसेंगे रोएंगे और डांस करने का मन करेगा। सर सक्षम क्या बताइए, क्या कर जाएंगे? चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, लीड प्ले कर रहे हैं, इनके साथ काम करने का सक्षम और गिफ्टेड चाइल्ड है। इतने कम एज में, 10 साल की एज में इतना अच्छा डांस करना और इतना अच्छा अभिनय करना, ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहूँगा उसको। बहुत अच्छा काम किया उसने। और गणेश जी और उस बच्चे की जोड़ी जो बाप बेटे की बनी है इस फिल्म में, वो आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सिंगर नकुल और भानु, इन लोगों ने कमाल काम किया। अगर इन लोग नहीं होते तो शायद ये फिल्म अधूरी होती, होती ही नहीं। देहाती डिस्को में सबसे बड़ा हाथ इनका ये। यस ब्रदर, इट वाज इन लॉकडाउन एंड गणेश जी कॉल मी, वी वर ऑल स्टक एट होम एंड ही सेड यू कैन यू जस्ट डू द सॉन्ग, सो आई अग्रीड एंड देन इमीडिएटली वी स्टार्टेड कंपोजिंग एंड आई कॉल्ड माय फेवरेट सिंगर एंड आई हैव टू थैंक ए आर रहमान टू इंट्रोड्यूस मी एंड थैंक यू वेरी मच नकुल, यू हैव डन फैंटास्टिक इन दिस लॉकडाउन एंड व्हाई डिडंट यू टेल मी। नहीं, लॉकडाउन के टाइम में शिवमणि सर ने फ़ोन किया था ऐसे कि हम एक मूवी कर रहे हैं, एक ट्रैक है मैं भेजूंगा, तो मुझे पता नहीं था कि इस मूवी का गाना हो सकता है, तो मैंने सर को गा के दिया, लिरिक्स भी रेडी नहीं थे, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी भाषा का है। एंड द सॉन्ग वॉज सो ब्यूटिफुल, इतना रिदमिक था और उसमें इतनी जान थी कि शायद मैंने 200-300% देके मैंने गा दिया था ट्रैक। तो भगवान की कृपा से सर को भी पसंद आया एंड गणेश सर ने उसके बाद फ़ोन किया मुझे कि मैंने गाना सुना, बहुत सही लग रहा है करके। तो जो मैंने ट्रैक गाया था वो ट्रैक फाइनल होके मुझे और दो गाने दिए, तो कुल मिला के मैंने 3 गाने गाए हिंदी मूवी में, ऊपर वाले, अघोरा और मटमैला। ऑल थैंक्स टू शिवमणि सर फॉर कंपोजिंग सच अमेजिंग सॉन्ग्स एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफकोर्स गणेश आचार्य सर जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल वॉच द फिल्म एंड एन्जॉय। तो निकलते हुए रात को 2:30 बज रहे हैं और ऐसी खुशियाँ लोगों के चेहरे पर नज़र आ रही है जैसे ज्ञानवापी मंदिर फैसला आ गया हो। डिस्को देहाती नहीं है, ज्ञानवापी का मंदिर का फैसला आ गया हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कहूँगा कि बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है देहाती डिस्को, मट्टी के अंदर घुस घुस के मट्टी के बारे में बात की है, तो आज रिलीज हुई है। मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा लोग जो अपने देश को प्यार करते हैं, मट्टी को प्यार करते हैं, जाके फिल्म देखिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हमने देश के कल्चर की बात की है और देश की बात की है डांस के माध्यम से, क्योंकि मैं डांस डायरेक्टर हूँ, डांस के माध्यम से बात की हुई है। आपको अच्छी लगेगी उम्मीद है मेरे को, बहुत देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 80 का दशक फिर से लोगों के जहन में आ गया जब वो डिस्को का ज़माना था, और आज मेरे ख्याल से लोग निकल के जब आ रहे बाहर तो यही बातें कर रहे हैं कि इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता, अगर डिस्को देहाती की अगर बात करें। ये तो लोगों का प्यार है, लोग जो भी बोल रहे हैं अच्छा अच्छा, अगर हम लोगों ने कोशिश की है ये डिस्को वाली जो देहाती डिस्को जो हम लोगों ने उत्पन्न किया है, देहाती डिस्को, देहाती मतलब देह होता है, अपनी आत्मा होती है वो देहाती होती है, और डिस्को जो वेस्टर्न कल्चर होता है, और ये फिल्म के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो कहना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की कला के बारे में, क्लासिकल डांस, इंडियन फोक डांस, बहुत सारी चीज़ें। बहुत खुशी इस बात की कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा सबका कितना सारा प्यार के लिए। बीच बीच में आप भावुक भी हो गए थे, बाप बेटे का वो कल्चर जब ये दिखाया जा रहा था। क्योंकि मैं मेरे बाप से बहुत कनेक्ट, मेरे डैडी जब मैं 10 साल का था तब डेथ हो गई उनकी, उनका सपना था कि वो डांस मास्टर बने, उनके साथ मैं हमेशा कोशिश करता था वो चीज़ों, वैसे ही मेरी बेटी के साथ मेरा बहुत इमोशन टच है, वो मेरे लिए बेटा है, मेरे लिए सब कुछ है, सौंदर्या आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग रहते हैं, इमोशंस है। ये रोल मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर सकता था डांस के माध्यम से, या मैं अच्छा डांस किया फादर का या बेटे का, कुछ इमोशन जो मुझे बचपन की याद है वो मैं डालने की कोशिश की। मैम आप भी देख रही थी तो भावुक हो गई थी वो पल, और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? मैं देख रहा था, मैं बीच बीच में सर का सर खुजा रही थी आप। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ही सेंसिबल मूवी है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप कल जाए और आपको बहुत पसंद आएगी। सर कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग देखे हैं और जो देखने वाले हैं?
सबसे पहले ये बोलूँ बहुत 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 धन्यवाद, हम लोग की ये छोटी सी कोशिश जो आपके सामने आई है आप उसको देखिएगा, हमको सराहिएगा, हमको प्यार दीजिएगा, क्योंकि हमने ये किसी को तकलीफ़ देना या किसी के बारे में बुरा बोलना ये हमारा माध्यम नहीं है। हमारा माध्यम यही है कि हम हमारे हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं, हमारे कल्चर को बहुत प्यार करते हैं, कला को बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा और अपने रिव्यूज़ हमको ज़रूर दीजिएगा आपको कैसे लगे। थैंक यू। मेघा जी, कैसी लगी आपको देहाती डिस्को की अगर बात करें? रात के 2:30 बज रहे हैं और सब देख के निकल रहे तो उनके चेहरे पे बहुत खुशी नज़र आ रही है, आप कितनी खुश है और क्या कुछ कहना चाहेंगे देहाती डिस्को को लेकर? खुशी आपको एक्चुअली मेरे भी चेहरे पे नज़र आ रही होगी और कहीं से नहीं लग रहा कि 2:30 बज रहे। इतनी अमेजिंग फिल्म देखी है, इतनी फील गुड फिल्म, और कई दिनों बाद इतनी अच्छी डांस बेस्ड फिल्म और ऊपर से एक अच्छा फैमिली ड्रामा। अब मैं क्या बताऊँ इस फिल्म के बारे में, आपको जो भी एलिमेंट चाहिए कि अच्छी डांसिंग चाहिए, अच्छा म्यूज़िक आप सुनेंगे तो आप जो नाचने वाला भी नहीं है ना उसके भी पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। और बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया म्यूज़िक, मुझे लगता है कि ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। आजकल जो हम देख रहे हैं ना डांसिंग का स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोग ज़्यादा वेस्टर्न डांसर्स के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट जब बात हमारे इंडियन डांसिंग में है वो बात सच में कहीं और नहीं। मैं किसी और को डिमीन नहीं करना चाहती किसी और डांस फॉर्म को, बट जो मज़ा हमारे इंडियन म्यूज़िक में है, हमारे इंडियन डांसिंग में है, हमारी आर्ट में है, वो कहीं और नहीं, और यही ये फिल्म साबित करती है। फिल्म में मेरे भाई ने, गणेश जी ने काम किया है और मुझे उनको एज अ हीरो देखना बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मेरे भाई इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हुआ है। उस छोटे बच्चे ने जिसने भीमा का किरदार निभाया है, वो मैं कह रही हूँ हमारी इंडस्ट्री का नेक्स्ट गोविंदा रेडी है बिल्कुल, बस कुछ ही सालों की बात है और हमें पर्दे पर एक फुल फ्लेज बेहतरीन हीरो देखने को मिलेगा। सो इस फिल्म का हर एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट, हर कॉर्नर से आपको एंटरटेन करता है। वसीम कुरैशी सर का, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, हमारा कुरैशी प्रोडक्शन, और उसके बाद करण रमानी जिन्होंने मुझे इस गाने को गाने का मौका दिया, और मेरी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और मास्टर जी के साथ काम करने का मतलब आप समझते हैं, एक कोई यंग टैलेंट जो नया नया अभी इंडस्ट्री में आ रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये भगवान की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, और शिवामणि सर अगर म्यूज़िक कंपोज़र और आपको उनका गाना गाने का मौका मिले तो इससे बेहतरीन और क्या बात होगी। और ये मेरा डेब्यू सॉन्ग है, मैं आपको बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी शुरुआत कोई हो सकती है किसी सिंगर के लिए कि वो मास्टर जी की आवाज़ बने और शिवामणि सर की कंपोजिशन जो उसको गाने का मौका मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर देखा आपने, कैसा लगा प्रोजेक्ट? हाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑडियंस को पकड़ के रख रही है, मुझे बोर तो लगा नहीं अभी तक, पता नहीं ऑडियंस का क्या फीडबैक आता है तो, लेकिन फिल्म है जो एक हार्ट टच फिल्म। गणेश जी की एक्टिंग मैंने बताइए, बाकी और भी जो किरदार है, गणेश जी से इतनी अच्छी एक्टिंग की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो एक्टर तो है ही नहीं, वो तो डांसर कोरियोग्राफर है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की जो काबिले तारीफ है। गणेश जी का डेब्यू फिल्म है तो नहीं, डेब्यू फिल्म नहीं है, डेब्यू तो उन्होंने इससे पहले हिब्रो में किया था, उसमें भी कमाल का काम था, मगर ये फिल्म तो सरप्राइज़ किया उन्होंने। अभी तक जो फिल्म मैंने देखा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कमाल का काम किया है, देख के ये नहीं लगता है कि ये शुरुआत है उनकी, ऐसा पहला काम कर रहे हैं, एक मजे हुए थिएटर आर्टिस्ट की तरह काम किया उन्होंने। कलाकार सक्षम है, सक्षम का काम बहुत अच्छा है, रवि जी का काम तो खैर जाने ही जाते हैं अपने एक तरीके के लिए, राजेश शर्मा जी का काम अच्छा है, मनोज जोशी जी का काम बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है, बहुत ही अच्छी थी। एंड वो छोटा बच्चा एक्चुअली आई थिंक वो बेस्ट था इसमें, एंड ऑफकोर्स मास्टर जी, सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड सी दिस फिल्म एंड ऑब्वियसली डांस टू देहाती डिस्को। जो सब्जेक्ट है फिल्म का, उसका बताइए कि सब्जेक्ट काफी अच्छा है, जो थीम है। हाँ, बहुत ही अच्छा है यार, आई थिंक थीम में यू नो दे आर जस्ट टॉकिंग सो मच अबाउट इट एंड अबाउट द इंडियन कल्चर, एंड मुझे एक चीज़ बहुत ही पसंद आई दैट यू नो वो इंडियन डांस को हम देखना चाह रहे थे, हम स्क्रीन को देखना चाह रहे थे, एंड इंडियन डांस रियली होल्ड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द सोसाइटी, सो आई थिंक यू शुड ऑल वॉच दिस मूवी एंड कंटिन्यू डांस। बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे ने। आंखें ना मैं मेरी अभी भी, मतलब मैं ऐसा था कि मम्मी साइड में बैठी और
ऐसा टाइट, मतलब कुछ तो कर लिया जिंदगी में, कुछ तो स्टार्ट हुआ एटलीस्ट, और माँ का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है, तो इससे भी और बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ। तो कितना बड़ा ब्रेक मानते हैं आप डेब्यू फिल्म में, कितना बड़ा ब्रेक है आपका? ये तो आप मम्मी से ही पूछो, आप, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ आज मम्मी से। अभी तो शुरुआत है, वे देखें तो बहुत ऊंचाइयों पे जाना है और देखेंगे आप जरूर, और ये उम्मीद है मुझे बिल्कुल कि जाएगा, कि पापा का जो सपना है ना वो जरूर पूरा करेगा। थैंक्स फॉर, उन्होंने पूरी मेहनत करी, मतलब मूवी में इतनी एनर्जी थी कि मतलब मेरा मन करा कि मैं भी देहाती डिस्को करके बस शुरू हो जाऊं सर के साथ, और पूरी टीम को बहुत बधाइयां हों, बहुत अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत दिन बाद एक एंटरटेनमेंट मूवी देखने को मिला। देहाती डिस्को की जगह मैं बोलूँगा ये सुपर हिट डिस्को, देहाती डिस्को इज द बेस्ट। अभी अभी जस्ट देखा देहाती डिस्को, देखने के बाद मुझे ये कहना चाहिए कि देहाती डिस्को इस नंबर 1.5 रिव्यूज मेरा राकेश शाह रिबल इंडिया प्रोडक्शन से, और इस फिल्म में डायरेक्टर मनोज शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है गणेश आचार्य जी ने, और सारी टीम को मेरी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में काफ़ी समय के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी मिट्टी जो है उसको इस तरीके से इज्जत के साथ उभारा जा रहा है। ये बात भी कही गई है हमारी फिल्म में कि हम बाकी डांस फॉर्म्स की तो इज्जत करते हैं, लेकिन जो अभी लोग भूल रहे हैं और जो इज्जत कम हो गई हमारे अपने देसी डांस की, उसको देहाती डिस्को के नाम पर हमारी फिल्म में उभारा गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया थॉट है, हमारी बहुत अच्छी सोच है, इसके लिए मनोज शर्मा जी हमारे डायरेक्टर, मास्टर जी हमारे, और हमारे सारे साथी कलाकार, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बधाई तो बहुत परे की चीज़ हो जाएगी, एंड ऑल द बेस्ट। मेरी गुजारिश है सबसे, ये फिल्म अगर आप मिट्टी को प्यार करते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। फिल्म बहुत अच्छी है, ये बहुत चलेगी फिल्म, और हर बच्चा जाके देखेगा फिल्म, तो इससे घर घर में जो माँ बाप जो है बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और उनको सिखाएंगे डांस, और इसके आगे वो लोग बढ़ेंगे। अरे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, अभी हम लोग हम तो मेकिंग के टाइम ही थे, पूरे 1.5-2 महीना हम लोग वहाँ पे थे, पर अभी यहाँ पे आए तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस है और लोगों के दिल में खुशी है, और उन्होंने देखा कि आज मतलब इंडियन, असली इंडियन डांस क्या होता है, और काफ़ी मज़ा आ गया, मतलब लोगों एक्चुअली एज अ कोरियोग्राफर मैं बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी परफॉर्मेंस हम देखते हैं, जितने भी हम कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, तो वो एक डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हिप हॉप वगैरह लोग ज़्यादातर वेस्टर्न डांस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि यो फ्यूजन है एक इंडियन और वेस्टर्न कि दोनों कितने अच्छे हो सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की। संजीव, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से आप जुड़े हो गणेश मास्टर जी के साथ में, और आज ये सपना मेरे ख्याल से उनका बहुत दिन का सपना था ये। एक्चुअली क्या है ना, डांसिंग पिक्चर तो बहुत बने, फर्स्ट टाइम ऐसा जो इंडियन डांस को जो इतना मतलब उसको पावरफुल दिया हुआ है इसमें, वो सबसे बड़ी बात है। जो ऐसा कोई भी जो पिक्चर जितने भी बने ना, तो ऐसा इंडियन डांस को इतना ये नहीं दिया, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा देहाती डिस्को जो, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो इंडियन डांस को बहुत उसको इज्जत दिया गया। 80 का दशक याद आ रहा था। हाँ, सीरियसली आ रहा था यार, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था गायब हो गया, तो वापस रिटर्न आया। हाँ, करेक्ट करेक्ट, देसी देसी चीजें, इसलिए देहाती डिस्को है।